भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भजरे भजरे। आइए सुनते हैं आज की कहानी मातृभूमि लौटाओ। यहूदियों पर अंग्रेजों का राज था। तरह तरह से वे उनको तंग करते थे। वे जिसको भी गुलाम बना लेते उन्हें कभी भी इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते थे। जरा जरा सी गलतियों पर डंडों से मारना, तोप से उड़ा देने जैसी सजाएं इनके लिए आम बात थी। हिंदुस्तान में जलियांवाला बाग इनकी क्रूरतम घटनाओं में से एक है। आज भी जब हिंदुस्तान का छोटा बच्चा इस घटना को सुनता है तो उसका खून खौलने लगता है। द्वितीय महायुद्ध का समय था। इंसान इंसान का दुश्मन हो रहा था। हर तरफ आग, गोला, बारूद, चीखों की आवाजों से सारी दुनिया दहल रही थी। सभी लोग निजी स्वार्थों में लगे हुए थे। ऐसे हालात में एक यहूदी ने ब्रिटेन को अपने अथक परिश्रम और लगनपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों से न केवल पूरा सहयोग दिया बल्कि इस महायुद्ध में ब्रिटेन ने जो भी नाम कमाया उसमें इस महान यहूदी का सबसे बड़ा योगदान था। इस महान यहूदी वैज्ञानिकों की सेवाओं से अंग्रेज बेहद खुश हुए और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि जो ये वैज्ञानिक चाहेगा हम उसे जरूर देंगे। किसी की सेवाओं को पुरस्कृत करना है ये सोचना भी ब्रिटेन के लिए बड़ी बात थी। मीटिंग हुई। एक उच्च ब्रिटिश शासन अध्यक्ष ने यहूदी वैज्ञानिक से कहा, आपने अपना देश होते हुए भी ब्रिटेन की महान सेवा की है। इन सेवाओं से खुश होकर ब्रिटेन आपका सम्मान करना चाहता है। आप जो चाहे मांग लें, हमारा आपसे ये वादा है कि हम आपको जरूर देंगे। ऐसे वक्त में करोड़ या 2 करोड़ की संपत्ति, कोई जागीर या कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती थी। यहूदी वैज्ञानिक के मन में इच्छाएं जन्म लेने लगीं। उसकी आंखों में भावी जीवन के ऐश्वर्यपूर्ण दृश्य घूमने लगे। उसने सोचा कि कई करोड़ की संपत्ति ले लूं और अपने बच्चों व पत्नी के साथ सम्मानपूर्ण जीवन जी लूं। गुलाम जिंदगी से वो परेशान हो चुका था। पत्नी बच्चों से बरसों से अलग था। माँ बाप को देखे जमाना गुजर गया था। उसने एक खूबसूरत जिंदगी का सपना पल भर में देख डाला जिसमें वो सबके साथ होगा। पर अगले ही पल माँ की दी हुई शिक्षाएं उसे याद आने लगी कि बेटा अपने देश से ऊंचा दुनिया में कुछ भी नहीं। मातृभूमि के लिए छोटे मोटे सुख तो क्या, प्राण भी न्योछावर करने पड़े तो भी कम है। बचपन में देश के लिए जो चिराग उसकी माँ ने जलाया था वो अचानक से तेजी से जलने लगा। उसके अंदर से आवाज आई जैसे माँ कह रही हो, बेटा देश की रक्षा के लिए कुछ योगदान दो। तेरे भाई बहन और देशवासी अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं। अंग्रेज उन्हें तरह तरह से यातनाएं दे रहे हैं। उनकी रक्षा करो बेटा। देखना, यहूदियों का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो तू हमेशा सितारा बनकर जगमगाएगा। अचानक यहूदी वैज्ञानिक बोला, सर यदि आप कुछ दे सकते हैं तो हमारी मातृभूमि हमें लौटा दीजिए। अंग्रेजों ने यहूदियों को फिलिस्तीन का कुछ भाग लौटा दिया जहां यहूदी फिर संगठित हुए। उस भाग को सबने मिलकर उन्नत बनाया। ये सबके सामूहिक श्रम का फल है कि आज इसराइल न केवल आंतरिक दृष्टि से संपन्न है बल्कि छोटा होने पर भी विश्व के रंगमंच पर एक खास जगह रखता है। इस यहूदी वैज्ञानिक ने एक भव्य इतिहास बनाया और विश्व में सितारा बन जगमगाया। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भजरे भजरे।